किसान आंदोलन का क्या होगा? राकेश टिकैत हमारे साथ हैं, कह रहे हैं कि वायरस घुस गया है किसान आंदोलन में, क्या कुछ कोरोना टाइप का वायरस है या कुछ अलग टाइप का? इसमें कुछ नहीं घुसने का, यहाँ कुछ नहीं घुसने का, यहाँ सब ठीक है, सब शांत है यहाँ पे। अच्छा, एक बात है कि पंच होता है आपके गांव, आप तो गांव से हो है ना, तो वो सरकार कह रही है क्या कि पंच बना दो, पांच लोगों को बुला लो, तो कुछ अब लग रहा है कि पंच से बात बनेगी, पंच बनाने की बात है? हमें कोई इस तरह की अभी जानकारी नहीं है, और जब सरकार बातचीत करेगी तो हम क्या मने कर रहे हैं, बात करेंगे। अच्छा, एक ये बड़ा ये बैठकी बनी है, ये आपको हम दिखाएं, ये तस्वीर भी हम साथ साथ दिखाते चले कि ये ट्रॉली को बदल दिया गया है एक तरीके से बैठकी में, जहां पर किसान भी बैठे हुए हैं और साथ में अंदर व्यवस्था है, सारी व्यवस्था है पूरी तरीके से, यहां पर बिस्तर भी लगाए गए हैं, तो ये लगता है क्या कि आप लंबी लड़ाई की तैयारी में फिर से हैं? नहीं नहीं, ये तो है, इसमें पेंट खराब हो गया था, वो करवाया है इसमें। अच्छा, तो मतलब और आया तो ये तो एक नई टेक्नोलॉजी है। अच्छा, गांव में मकान बनाने की जरूरत ही नहीं है, मकान में प्लास्टर करो, ये करवो, ये एक अच्छी टेक्नोलॉजी है और इसको आप बना सकते हो। ये रूम बना हुआ है यहाँ पे। अच्छा, बाहर बैठकी है और अंदर बेडरूम है, तो ये एक बात है कि आज कुछ मीटिंग भी चल रही है सिंघू में, जैसे आप हैं, तो कौन सी मीटिंग है, कौन कौन से लोग हैं उसमें जो कि आज बैठ कर रहे हैं? आपने भी भेजा है जगतार सिंह बाजपा आपके प्रतिनिधि के, जा रहे हैं वहाँ पे, जो भी मीटिंग होगी उसमें शामिल रहेंगे, और कोई मीटिंग तो हरियाणा की भी एक चल रही मीटिंग, कुछ और भी मीटिंग, क्योंकि लोग हैं तो मीटिंग तो होती रहनी चाहिए जब सब लीडर्स यहाँ पे हैं, और किसी भी टाइम ये लगता है कि सरकार से बातचीत शुरू हो सकती है, तो सब लोग यहाँ पे हैं, जब तक हैं कि अपना पूरा डाटा भी हम तैयार करके रखेंगे। तो आपको लग रहा है क्या कि सरकार से किसी भी वक्त अब बैठकों का दौर शुरू हो सकता है? हो सकता है, ये दो दिन से ये चल रही है अफवाहें, अफवाह चल रही है, आप तो लगभग यकीन करेंगे कि कभी भी शुरू हो सकता है, तो ये अफवाह है या इसमें कोई? भाई, हम तो अखबार पे, टीवी पर, हम तो सच मानते हैं, जो टीवी पर खबर है वो सच होती है, यही तो मान रहे हम भी। आप लोगों की तरफ से खबर है, हमने सुनी कि पांच लोगों को बुलवाया, मगर भाई बुलवाए तो देखेंगे, अपना रहो वहीं और अपनी बातचीत करो, क्योंकि एक बड़ा मामला सरकार ने किया है, तीन कानून वापसी लिए हैं, अब ये हल्की हल्की चीजें रहेगी, ये वापसी हो जानी चाहिए। अब आंदोलन संघर्ष समाधान की तरफ चल रहा है, तो उसमें सबको शरीक रहना चाहिए। तो आपको लगता है कि अगर पांच सदस्यों की एक कमेटी बुलाती है सरकार बातचीत के लिए, पहली बात तो कि राकेश टिकैत तो उसमें शामिल होंगे कि नहीं होंगे? नहीं, अभी कोई उस तरह की जानकारी नहीं है, और जिसको भी संयुक्त मोर्चा कहेगा वो उसमें सब शामिल होंगे। अगर कोई जानकारी इस तरह की है, हमें अभी कोई जानकारी ये नहीं है कि पांच लोगों को कोई सरकार ने बुलाया, ऑथेंटिक कोई वो नहीं आया यहाँ पे अभी। लेकिन फिर भी आपने अपनी तैयारी शुरू कर दी है कि अगर बुलाती है सरकार, अगर सरकार तो बातचीत के रास्ते हम तो पे जाएगी। पिछले 11 महीने से इसी काम के तो बैठे, भाई सरकार बुलाओ और बातचीत शुरू करे। सरकार अगर ये काम जनवरी में निपटा लेती, जनवरी में निपट जाता, दिसंबर में निपटाना चाहती, दिसंबर में निपट जाता, जब सरकार चाहती जब ही निपट जाता। कहीं दबाव अंदर से भी तो नहीं आ रहा है कि अंदर से भी कुछ लोग दबाव बनाए हुए हैं कि अब बहुत हो गया, बस कीजिए, अब आंदोलन? कोई नहीं बना रहा, किसान गांव का ये कह रहा कि जीत का आना मुकदमो का हार, जो पर्चा फिर घर पर जाता है कि वहां पर तारीख है उसके लिए नहीं, पूरे मुकदमे खत्म करके जब आना, MSP पर गारंटी कानून लेकर आना। फिर आप की तो बात फिर वहीं फंसी हुई है ना, आप कह रहे हो कि बात करने के लिए समाधान की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन आप अपने जो तल्ख रुख रखे हुए हैं क्या कि हम ये लेकर के ही जाएंगे? तो लेकर जाएंगे, चल लेकर नहीं जाएंगे, मुकदमे लेकर कौन जाना चाहता है घर अपने, मुकदमा कौन लेकर जाना चाह रहा है घर, मुकदमे का कागज वो कोई नहीं लेकर जाना चाहता, ना जाएंगे, बिल्कुल साफ कर लेकर जाएंगे। जिन्हें चुनाव की जल्दी है वो तो जाना चाहते हैं, उन्हें भी मुकदमे के एफिडेविट लगाना पड़ेगा, मुकदमे का एफिडेविट लगाना पड़ेगा, कितने मुकदमे हैं, पर्चा कैंसिल होगा, मुकदमे लिखने पड़ेंगे ना, उसमें
लिखने पड़ते हैं कि मेरे पे ये मुकदमा है, ये लिखना पड़ेगा। तो मतलब आप उनको कहीं सबके सामने एक्सपोज तो नहीं करना चाह रहे हो क्या कि तो ये है देख लो? तो बताया है कि अगर कोई चुनाव लड़ेगा उसमें कितने मुकदमे हैं वो सारे लिखने पड़ेंगे। तो वो तो संगठन तोड़ के जाएगा तभी ना लड़ेगा। कोई नहीं जा रहा है यहाँ से, ये एक अफवाह चल रही है, कोई नहीं जा रहा, सब लोग यहीं हैं और सब लोग यहाँ से जब मामले का समाधान होगा जब जाएंगे। अच्छा, आप बड़ा अच्छे तरीके से जब जो अपने हिसाब से होता है उसको आप अफवाह बता देते हो, जो सरकार कहती है उसको कहते हो कि आप मीडिया की रिपोर्ट है उस पर भरोसा कर लिया। तो एक तरफ रहिए ना, या तो सबको अफवाह माने या कुछ बातों को मानते हैं कुछ बातों को नहीं मानते हैं, क्या चल क्या रहा है? कहीं ना कहीं कंफ्यूजन तो चल रहा है, संयुक्त किसान मोर्चा में भी चल रहा है और ये खुल करके आ गया, इतनी मीटिंग नहीं होती थी। अब आपको भी अपने नुमाइंदे भेजने पड़ रहे हैं, सिंगू बॉर्डर भेजना पड़ रहा है, तो कुछ चल तो रहा है, आप बता कम रहे हो ना। हमें मीडिया के माध्यम से ज्यादा पता चल रहा, मीडिया के माध्यम से ज्यादा पता चल रहा, वैसे नहीं है कुछ। सिंगू पे चल क्या रहा है ये बताओ। कोई चीज होगी तो 4 तारीख तक कन्फर्म हो जाएगी सब। अगर कोई चीजें हैं तो 4 तारीख में जो मीटिंग है संयुक्त मोर्चे की, अगर हमने ये कहा कि किसी की किसी से बातचीत हो रही हो उनसे जरूर बातचीत करें किसी भी माध्यम से, उसमें मुकदमे ये सारी चीजें हैं, और अपना संयुक्त मोर्चे की मीटिंग होगी उसमें वो बताएं। आपकी किससे बात हो रही है? नहीं, हमारे तो सभी जत्थेबंदियों से बातचीत होती है हमारी, सरकार से नहीं हम बात करते। क्या कह रहे हैं जत्थेबंदी? जत्थेबंदी में ये तो बात हो रही है, वो तो बाहर निकल के भी कह रहे हैं कि हम घर जाना चाहते। कुछ लोग कह रहे हैं क्या अब हमारी जीत है, बड़ी जीत है। हमें कोई इस तरह का आदमी नहीं मिला जिसने कहा कि हम घर जाना चाहते हैं। तो हम भी बैठेंगे, सबको बैठाएंगे, सब बैठेंगे, और जो लड़ना चाहते सरकार से नहीं, हाँ उन्हें मुकदमों की लिस्ट देनी पड़ेगी, पता सब आपको है, उसमें लिखना पड़ेगा कि मेरे पे ये मुकदमे हैं, ये मुकदमे हैं। कुछ लोग कहते हैं क्या कि अगर राकेश टिकैत चले गए तो सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही, इस डर से भी यहीं बैठे हुए। राकेश टिकैत ना डरता, ना मैं प्रॉपर्टी का डर है, ना मैं मौत का डर है, ना मैं जेल का डर है। हमारा जो काम था वो हमारा हो रहा है, हमें किसी चीज का डर नहीं। हम ये है कि हरियाणा पे 55,000 मुकदमे हैं, जब तक वे खत्म नहीं होंगे हम घर नहीं जाएंगे, कोई नहीं घर जाएगा, उन हरियाणा के लोगों को छोड़कर नहीं जाएंगे, जो उत्तर प्रदेश में मुकदमे दर्ज है उनको छोड़कर नहीं जाएंगे, जो उत्तराखंड में दर्ज मुकदमे हैं वे सब वापसी होंगे, और ये इसी महीने में होंगे सब। लोग गांव में तैयार बैठे, अभी उनको कहा नहीं, अभी फाइनल मैच होगा 1 महीने में, ये सब कुछ मैच फील्ड में रहेंगे, खेलने वाले रहेंगे, कुछ मैच को यहीं देखने वाले रहेंगे और कुछ टीवी पे देखने वाले रहेंगे। इस मैच को देखेंगे सब, पूरी दुनिया देखेगी इसको, ये फाइनल मैच होगा, ये तय है कि फाइनल मैच होगा। टिकैत साहब की भूमिका क्या रहेगी? खेलने वाले रहोगे, देखने वाले? हम तो खेलने वाले रहते हैं, होगा यहाँ सब कुछ होगा, सरकार जितना जल्दी है वो अपना मान जाए, नहीं तो यहाँ सब कुछ होगा। सब कुछ थोड़ा सा हमें बातचीत होगी, अब कुछ होगा, बातचीत तो होगी, यही तो कह रहे हैं, सरकार अपना कर ले, उनको भी अपना चुनाव में जाना है। भैया क्यों उलझ रहे अब इसमें? अरे 10-15 लाख रुपए, 10-15 करोड़ रुपए उनके ट्रैक्टर में खर्च होने, कुछ उनको कंपनसेशन देना, उसके आगे उनका 1 रुपए का खर्चा नहीं है, तो क्यों दिक्कत कर रहे वे? फार्मूला हम बताएंगे ना, बैठ के वे बात करें तो फार्मूला हम बता देंगे। MSP पे 1 रुपया उनको नहीं लगना, मुकदमों में 1 रुपया नहीं लगना, और जब इस पे 1 रुपया उनका नहीं लगना तो वे किसी के बहकावे में क्यों आ रहे? वो तो कह रहे हैं कि MSP से पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाए। 1 रुपया खर्च नहीं उनका है, बताओ कहाँ लगना 1 रुपया? कह रहे हैं जितनी फसल MSP पे खरीदेंगे वो तो सरकार को ही खरीदनी पड़ेगी। नहीं खरीदनी पड़े,
सरकार जितने की फसल खरीद रही है वो खरीद कर ले, सरकार 3.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास की जितनी खरीदती है वो उतनी ही अपना खरीद ले। कुछ किसान कंज्यूम करता है एमएसपी की फसलों को, कुछ बाजार उसको खरीदता है, करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए है वो बाजार से आएगा, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं जो सस्ते में खरीदते हैं और सरकार को डराते हैं कि नहीं तुम्हें वो करना पड़ेगा, वो बाजार से उन व्यापारियों से आएगा। तो सरकार उन व्यापारियों को बचाना चाहती है कि ये सस्ते में फसलें खरीदते रहें और व्यापारियों को 2 लाख करोड़ रुपया हम साल भर में इनको कमाते रहें। तो कैप्टन टिकैत दिखेंगे मैच फाइनल में? हम तो खेलने वाले रहेंगे, कप्तानी करेंगे ना? नहीं, हम तो फील्ड वाले रहेंगे, कप्तानी भी कोई दूसरा ही करो।